अब 163, 164 और 195वीं गाथा चलेगी। तीन गाथाओं का ग्रुप है। इसमें कल जो 162वीं गाथा थी, जिसमें निष्कर्ष के रूप में कहा था कि इपुद्गलमय जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, उसका कर्ता भोक्ता भी मैं नहीं हूँ, और मेरा वो जो ये शरीर है वो संपूर्ण ज्ञेय का प्रतिनिधि है और भगवान आत्मा ज्ञान का प्रतिनिधि है। इस तरह ज्ञान और ज्ञेय में महान अंतर है, वो बात बताई थी। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि भई ये इनका बंधन तो है, तो कहते जीव अपने कारण से अपने बंधन का कर्ता है भोगता है, और पुद्गल अपने बंधन का अपने कारण से कर्ता भोगता है। तो इस तरह के से जो जीव का वो पुद्गल का ये शरीर में बंध रूप व्यवस्था देखते हैं, उसका अभी वर्णन वो करते हैं कि कल संकेत में बताया था कि पुद्गल में स्निग्ध और रूक्षित जो गुण हैं उनकी वजह से बंध होता है। पहले तो सारा लोक जो गेय है ना, तो उसमें चार जो द्रव्य हैं आकाश धर्म अधर्म और काल, ये तो किसी से बनते नहीं हैं। आकाश तो एक ही है, किसी से बंधने का वो पर द्रव्य से बनता ही नहीं है, और वे भी अनेक नहीं हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी एक एक हैं, और काल द्रव्य असंख्य हैं। तो वे काल द्रव्य ते कालाणु असंख्य दब्बाणी और रैणा में राशि में रत्नों की राशि के समान, जैसे रत्नों की राशि किसी भी बर्तन में रख दें तो वो आपस में मिल जाएगी, ये समस्या खड़ी नहीं होती। जैसे हम पानी है आटा है इसको यदि एक बर्तन में रखें तो वो मिल जाते हैं ना, ऐसे रत्न नहीं मिलेंगे। ऐसे काल द्रव्य की ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल वे सेपरेट हैं, और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु उसकी जगह भी सुनिश्चित है, वो अनादिकाल से वहीं है, वो अनंत काल तक वहीं रहेगा। अब वो अपने स्थान से हटेगा भी नहीं, और दूसरा प्रदेश भी उससे लगा हुआ ही है ना, लगा हुआ है। तो दो कालाणु या एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु है तो वे भी लगे ही हुए होंगे, फिर भी पृथक हैं। ये लगे हुए होना और ये पृथक होना, इन दोनों का थोड़ा स्वरूप समझें हम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल अलग अलग देश हैं ना, पूरे विश्व में जो देश हैं वो बिल्कुल अलग अलग देश हैं। वे शत्रु मित्र हैं वो उसकी बात जाने दो, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के बाद जब पाकिस्तान आता है तो बीच में कितना गैप है, बिल्कुल गैप नहीं है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से लगे ही हुए हैं। जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश लगा हुआ है, ऐसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान लगे हुए हैं। वहाँ कोई अलग टाइप का कुछ नहीं है, हमने एक कृत्रिम रूप से तार मार लगा दिए हों, झगड़ा है इसलिए, तो वो झगड़ा नहीं होता है तो वो और लगाते नहीं हैं बल्कि जोड़ते हैं। नदियाँ वदियाँ होती हैं तो पुल बनाते हैं, आवागमन के साधन बनाते हैं। जैसे अमेरिका में जाओ तो अमेरिका और कनाडा की हजारों मील की सीमा है, और वहाँ पर हजारों पुल बने हुए हैं, पानी के अंदर से चले जाओ, पानी के ऊपर से चले जाओ, बीच से चले जाओ, कई तरीके के बने हुए हैं दोनों देशों को जोड़ने वाले। तो इस तरह से वे जो आकाश के लोकाकाश के प्रदेश हैं वे भी बिल्कुल अलग अलग हैं और जुड़े हुए हैं। जब भी वे एक द्रव्य के प्रदेश हैं, और कालाणु उतने ही असंख्य कालाणु अलग अलग द्रव्य हैं, तो वे भी वैसे ही जुड़े हैं, उन्हें दोनों के बीच में गैप नहीं है, है ना, फिर भी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। तो इस तरह चार जो द्रव्य हैं आकाश धर्म अधर्म और काल द्रव्य, इन द्रव्यों में
तो बिल्कुल जुदे जुदे हैं, इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए किसने इन्हें जोड़ा है, वो किस कारण से जुड़े हैं, कारण की खोजने की जरूरत नहीं है, कर्ता के खोजने की जरूरत नहीं है। अब जीव और पुद्गल ये दो रह जाते हैं, तो जीवों में भी एक जीव दूसरे जीव से बिल्कुल पृथक है और वो किसी तरीके से भी जुड़ता नहीं है। अभी इससे भी जो हमने उदाहरण दिया ना कालाणु के लिए, तो एक निगोदिया जीव के एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं ना। अब वो शरीर तो एक ही है, तो आकाश के प्रदेश भी वही है ना जो जो शरीर में है, और पूरे शरीर में वो निगोदिया जीव हैं, तो बिल्कुल एक क्षेत्रावगाह हैं पूरी तरीके से, फिर भी बिल्कुल वो अलग अलग हैं ना। हर एक के कर्म अलग हैं, ज्ञानवर्णी कर्म अलग, दशनावर्णी अलग, उनका क्षय उपशम जो भी जो जो दशाएँ होती हैं वो भी सब बारीक बारीक एक एक चीज़ बिल्कुल अलग हैं, यहाँ तक कि सुख दुख भी बिल्कुल अलग हैं। अब वो जो एक ही जगह है तो एक से ही कैसे होंगे। अपन कहते हैं कि भाई यहीं स्मारक में ही आप सब लोग रहते हो, एक से कमरे हैं, एक से हॉल में बैठे हैं, तो फिर सब कुछ सुख दुख जो कुछ भी होगा वो तो एक से ही होगा ना। लेकिन नहीं होता है। अभी पंखा चलाएं तो एक को सर्दी लगेगी, और नहीं चलाएं तो एक को गर्मी लगती है। निगोदिया जीव में भी ऐसा होता होगा। ऐसे अपन एक क्षेत्रावगाह ही है ना, बिल्कुल वायुमंडल तो एक सा ही है, फिर एक को सर्दी, एक को गर्मी, एक को तकलीफ होती है, एक को नहीं होती है, तो उन जीवों के सुख दुख सब कुछ बिल्कुल अलग हैं। ऐसा प्रश्न कभी खड़ा नहीं होता है कि इसने उसको कुछ किया। ये तो फिर हमने अपने राग द्वेष के कारण से, अपने माँ बाप हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता शत्रुता मित्रता ये खड़ी कर ली हैं, लेकिन दिव्य की दृष्टि से तो बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं। वो निगोदिया के उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आता है। एक शरीर में, एक क्षेत्र में, एक काल में रहने पर भी दोनों के सुख दुख बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। अभी दो जीव भी आपस में जुड़ते हैं, तो अब रह गया कि जीव और पुद्गल आपस में जुड़ते हैं कि नहीं, और पुद्गल आपस में जुड़ते हैं कि नहीं। तो पुद्गल तो जुड़ते ही हैं, पुद्गलों का स्कंद बनता है। तो एक परमाणु जो है वो एक द्रव्य है। अब वो अप्रदेशी है कि सब प्रदेशी है, तो इसमें बहुत चर्चा की है। जब अपन लोग द्रव संग्रह वगैरह में पढ़ते थे, छेड़ाना वगैरह में, तो सीधी सी सच्ची बात आती है, पांच द्रव अस्तिकाएँ हैं, पंचास्तिकाए, तो ग्रंथ का नाम ही पंचास्तिकाए रखा हुआ है, यानी वो बहुप्रदेशी है। ऐसा पुद्गल को बहुप्रदेशी में गिन लिया। लेकिन यहाँ कहते हैं जैसे कि काल द्रव का एक ही प्रदेश होता है ना, ऐसे ही पुद्गल के अणु का भी एक प्रदेश होता है, उसे कालाणु बोलते हैं, और इसमें लो इसको परमाणु बोलते हैं। लेकिन दोनों एक प्रदेशी ही हैं, और अपने भाषा का ये नियम है अकेले जैन धर्म में ही नहीं, कि एक को कहीं नहीं होना भी कहते हैं, तो एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहते हैं। जो कालाणु में अप्रदेशी है, पांच द्रव्य प्रदेशवान है, और कालाणु अप्रदेशी है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और चूँकि उसका एक प्रदेश तो है ही, तो उसे अप्रदेशी कैसे कह सकते हैं, इसलिए वो वास्तव में प्रदेशी भी है। तो दोनों तरह की बातें आ गईं, उसी को हम अप्रदेशी कहते हैं और उसी को एक प्रदेशी भी कहते हैं। जैसे नाणो सूत्र आता ना तत्वा सूत्र में, कि अणु के द्वितीयाधिक प्रदेश नहीं होते, द्वितीयाधिक नहीं होते, उन्हें एक तो होता है ना, वो द्वितीयाधिक तो उन्हें अर्थ करने वालों ने जोड़ दिया। संस्कृत आप लोग जानते हो, तो नाडो शब्द में से तो नहीं निकलता है वो, पर ना अणु इतनी सी बात लिखी है? तो अब वो जो इसमें इस बात पर भी जोड़ दिया है, अभी अपन पढ़ते हैं,
कि वो एक प्रदेशी भी है और अप्रदेशी है। पहली ही गाथा की जो पंक्ति है ना 163वीं गाथा की पहली पंक्ति में ये बात है। ये अपने गाथाएं अभी पढ़ी नहीं है ना, पढ़ो एक दफे। अपदेशो परमाणु पदेश में तो दयम सद्दो जो निदो वालुखो वा दुपदेशादित मणु भवदी ए गोत्तर में गादी अणुसणि तत्तणम च लुखत्तम परिणामादो भणिदम जावण तत्तमणु भवदी णिद्दा वा लुखा वा अनुपरिणामा समाव विषमावा समदो दुरादिगा जदि वज्जन्ति हि आदि परिहीणा रे अप्रदेशी अणु एक प्रदेश में अर शब्द हैं अर रूक्षता स्निग्धता से बहु प्रदेशी रूप हैं परमाणु के परिणामन से एक एक कर बढ़ते हुए अनंत अविभागी न हो स्निग्ध अर रूक्षत्व से परमाणुओं का परिणामन सम विषम अर स्निग्ध हो अर रूक्ष हो तो बंध हो दो अधिक पर न जघन्य हो। जैसे तो हमने तत्वाशुद्ध वगैरह में पढ़ा है फिर भी देखो अप्रदेश हो परमाणु यानी भक्ति में ही लिखा कि परमाणु अप्रदेशी है। परमाणु माने पुद्गल के जो है ना पुद्गल द्रव्य को परमाणु बोलते हैं। दो ही अणु हैं एक कालाणु है एक पुद्गल अणु बस। तो अप्रदेश हो परमाणु परमाणु यद्यपि अप्रदेशी है पर प्रदेश में तो पर एक प्रदेशी है। दो ही बात ने कहनी कि अप्रदेशी होकर के भी एक प्रदेशी है। अब जैसा लगता है कि दो क्वालिटी हों उसमें पर एक ही क्वालिटी को दो तरह से उनने कहा है उसी को अप्रदेशी कहते हैं और उसी को एक प्रदेशी कहते हैं। लोक में बोलते हैं निर्धन किसे बोलते हैं बोलो। ये निर्धन शब्द भी ऐसा ही है कि जिसके पास धन नहीं हो तो वो कहते हैं धन काय को बोलते हैं कि रुपया पैसा मकान जायदाद गाय भैंस इन सबको बोलते हैं ना अनाज। तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिलेगा मनुष्य गति का जीव कि जिसके पास बिल्कुल कुछ भी ना हो। थोड़ा बहुत तो हर एक के पास होता ही है लेकिन हमने एक रेखा खींच रखी है गवर्नमेंट ने बना रखी है गरीबी की रेखा और वो भी बदलती रहती है। पहले किसी के पास 10,000 रुपया महीना मिलता था उसे तो वो संपन्न कहलाता था नगर सेठ कहलाता था गांव का सबसे बड़ा आदमी कहलाता था पैसे वाला कहलाता था। और आज वो हमने बना दिया कि भाई कम से कम वो 12,000 तो हर महीना में कम से कम तनख्वाह हर एक को मिलनी चाहिए ना तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। तो वो कुछ भी हो लेकिन मतलब ये है उन्हीं जिनके पास धन है धन वाले सभी हैं समझ गए ना। फिर भी उन्हीं में से हमने धन वाले और निर्धन ऐसे दो भेद कर लिए हैं और बीच में एक रेखा खींच दी कि यहाँ से ऊपर होंगे वो धन वाले माने जाएंगे और यहाँ से नीचे होंगे वो धन वाले नहीं माने जाएंगे गरीब माने जाएंगे। ऐसे नकली बनाने से क्या मतलब है यानी बिल्कुल आर्टिफिशियल भेद है ना। हमारे पास बाहर की परिग्रह है वो कितना है और उसके हिसाब से हमारे दो भेद कर दिए कि भी गवर्नमेंट को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है कि किन पर टैक्स लगाना और किन पर टैक्स नहीं लगाना किन्हें कोई विशिष्ट सुविधाएँ देना और किन्हें नहीं देना। तो वो कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे जो हैं उनको देना
और जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं उनसे एक टैक्स लेना, माने ये जो इतना वेल गवर्नमेंट के प्रयत्न करती है फिर भी कितना अंतर है। वो अंबानी जैसे लोग भी हैं जो विश्व में सबसे बड़े आदमी में गिनती आ जाती कभी कभी उनकी, और गरीब से गरीब भी अपन देखते ही हैं अपनी आंखों के सामने। ये तो तब है कि ये गवर्नमेंट उन पैसे वालों से पैसा ले लेकर और उन गरीबों में बांटती है। अब बांटती होगी कितना कम ज़्यादा है, लेकिन कहती तो है ही कि हमें बांटना है, बांटने है आता ना कि मुफ्त में ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया, करते कि नहीं करते हैं। और वहाँ से उनके टैक्स बढ़ाते ही जाते हैं, किस किस नाम से सेवा कर फलाने कर है? माने आप होटल में जाके ठहरे तो आपको जो होटल वाले को पैसा देना है तो देना है, गवर्नमेंट कहती है कि तुम इतने बड़े होटल में ठहरे इतना पैसा दे रहे हो तो कुछ हमें भी तो दो और वो कुछ नहीं होता है। यदि 5,000 रुपये आप वहाँ दे रहे हो तो 2,000 हमें दो, माने इतना हैवी होता है। अब उन्हें दो, फिर उनमें भी बहुत से लोग हैं तो अकेला उतना सही नहीं पड़ता है ना, कई तरह के बढ़ाते जाते हैं तो हम सब परेशान हैं। जो मान लो थोड़ा बहुत देने लग गए हैं उनका बढ़ जाता है, और जो नहीं देते हैं उन पे भी जब बाज़ार में जाते हैं कोई साइकिल पंचर थी वो ठीक कराई, अब आप मजदूरी कर रहे हैं खुद साइकिल खुद चला रहे हैं, मुश्किल से बैंक का कर्जा ले करके हमने साइकिल ली है, ख्याल में आई ना, हर महीने कर्जा उसका भरना है, और वो उसमें हवा डलवाएं साइकिल वाले से तो गवर्नमेंट कहती है हमें भी दो 5 रुपया उसे देते हो तो 1 रुपया हमें दो। तो ऐसा मैं समझ लो कि भाई टैक्स देने वाले तो बहुत कम हैं, ऐसे वो हमारे बाबू चाचा कहते रहते हैं हमेशा, बस 25 लाख लोग टैक्स देते हैं, कितने लोग हैं इस हिंदुस्तान में, 125 अरब जितने भी हैं कुल 25 लाख देते हैं टैक्स, ऐसा देते हैं, लेकिन कौन बचा है मुझे तो बताओ है? अब इसमें भी सेवा कर, इनकी सेवा हो रही है क्या? आपने जूतों पर पॉलिश कराया और वो चमार बेचारा वहाँ बैठा पॉलिश कर रहा है धूप में, अब उससे भी आप टैक्स आपसे ले गए। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इतना उन पैसे वालों से लेकर इतनी इतनी जगह से और इतना इतना गरीबों में बांट कर ये सस्ता कर दिया, गेहूँ 1 रुपया किलो और हमें तुम्हें मिलेगा क्या 25-30 रुपया किलो होगा क्या है जो भी भाव होगा है? इतना 25-30 रुपया किलो कितना अंतर है। उधर है ना कर्नाटक में दक्षिण भारत में कोई एक राज्य है तो उसमें उनने बहुत दिनों से 1 रुपया किलो गरीबों को गेहूं कर रखा है और वे इसी में जीतते हैं। वो जो कौन सी जया अम्मा जी मर गई ना, समझ लो तुम समझ गए बस है? मतलब उन्हें उनको माने इतना जैसे वो उसमें भी हमको बहुत अटपटा लगता है और उसमें न्याय भी बढ़ता है, वो ले करके बेच देती हैं मतलब उसमें 1 रुपया की जरूरत नहीं है तो माने इतना इनसे लेते हैं और इतना उन्हें देते हैं तो भी कितनी विषमता है। जब तक ये विषमता नहीं मिटे शांति जी तो तब तक ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ना, ये टैक्स बढ़ता ही जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वह गरीबी नहीं मिटती है और अमीरी नहीं मिटती है। जब तक ज़्यादा अभी मालूम विश्व में सबसे तेजी से अमीर हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, रोजाना 3 अरबपति बनते हैं हिंदुस्तान में, विश्व के किसी देश में 3 अरबपति रोजाना नहीं बनते, अमेरिका में भी। तो इस तरह पैसे वाले बढ़ेंगे क्यों, और इस तरह से गरीबी बढ़ेगी कि जब उन्हें खाने को ही नहीं मिलेगा
वो एक रुपया भी उनके पास नहीं होगा, तुम एक रुपये किलो गेहूँ दोगे वो एक रुपया भी नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो एक रुपया भी हमें देना पड़ेगा। अब मैं ना तो अर्थशास्त्री हूँ ना अर्थशास्त्र पढ़ाना चाहता हूँ, किसी को बताना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा अंतर निरंतर ये रहेगा, रहता है वस्तु के स्वरूप में, समझ में ना। क्या अभी ये दो द्रव्य हैं एक साथ एक रह रहे हैं, एक में कुछ कोई किसी का कुछ नहीं करता है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये अपने गले नहीं उतरता ना। बहुत अपन तो 5 साल तक खूब रटते रहते हैं दिन रात, और हम तो 50 साल से रटा रहे हैं, तुम तो 5 ही साल से रट रहे, हम तो 50 साल से ये समझा रहे हैं, फिर भी जितना हमारे संस्कार में से निकल के जाना चाहिए निकल के जाता नहीं है ना। तो इतने द्रव्य तो क्लियर दिख रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कुछ करता नहीं है, कि 4 द्रव्य है ना आकाश वगैरह, ये आपस में एक दूसरे के करता नहीं है, हमें कोई विकल्प नहीं आता, ये बंधते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, कितना ही मिला दो वो घी पानी, वो घी की जगह जैसे घी पानी में डाल दो तो वो उतराता रहता है, मिलता नहीं है, वो दूध मिल जाता है, हैं? तो इतने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के करता नहीं है, अकेले सिर्फ है ये जी, 2 जीव आपस में नहीं मिलते फिर भी उन्हें अपन करता तो मानते ही हैं, कैसे विचित्र आदमी हैं। देखो जो 2 द्रव्य जीव भी नहीं मिलते, अभी बताया था ना, 2 जीवों का परस्पर में बंध नहीं होता, जीव का और पुद्गल का होता है, और पुद्गल का और पुद्गल का तो होता ही है, सिर्फ इतना है, और बाकी के सब कोई खुशी से बंधते नहीं है, बंध नहीं है। अब ये 2 क्यों बनते हैं, तो स्निग्धरूक्षत्वात् बंधा, स्निग्धरूक्ष होने से ये बंध है। अभी अपन ने अभी सब ये पढ़ रहे हैं, गाथाएँ पढ़ी हैं ना, अभी उसमें तो आया है, उसमें से निकाल के भी बताएंगे जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि स्निग्धता और रूक्षता, तो पुद्गल में भी तो अनंत गुण है ना, अनंत है, उनको एक तरफ रखो, फिर 20 तो हैं पक्के, कौन कौन से 20 हैं, 5 रस 5 रूप 2 गंध और 8 स्पर्श, तो ये 20 गुण हैं। अब भी अनंत हैं और फिर 20 हैं, अब 20 में से सिर्फ 2 गुण भी हैं बंध के निमित्त बनते हैं, बंध के कारण हैं, निमित्त कहो जो भी कारण कहो है ना, वे 18 उसमें वे भी गए, समझ में ना। हमारे खट्टा मीठा चरपरा ये पुद्गल में है, अब चरपरे होने के कारण वो एक दूसरे से नहीं मिलता है, काला पीला नीला कलर भी हैं, वो कलर के कारण भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, बनते हैं, तो उनमें मूल चार फिर 20 फिर अनंत, 3 हो गए, तो 4 कौन हुए, रूप रस गंध स्पर्श, तो रूप रस और गंध इन 3 के कारण तो वे आपस में बनते ही नहीं, ना जीव से बनते हैं ना वे आपस में बनते हैं। अब एक स्पर्श गुण है जो बंध का कारण बनता है, अब स्पर्श गुण में भी 8 हैं, तो 8 में से 2 ही हैं जो बंध के निमित्त होते हैं, स्निग्ध और रूक्षता, चिकनापन और रूखापन, माने अभी अन्य जीवों के कितने गुण चले गए अन्य द्रव्यों के, और फिर पुद्गल में भी कितने गुण छूट गए, और उनमें से सिर्फ स्पर्श गुण आया, और उसमें से भी सिर्फ स्निग्ध और रूक्ष 2 गुण समझ लो अनंत में से ये बंध के निमित्त हैं, इनके कारण उनमें परस्पर में बंध होता है। तो बंध के कारण तो बहुत कम है ना हमारा, अब बाकी तो पूरा पुद्गल द्रव्य शुद्ध ही पड़ा है ना,
वो जब वो कुछ मिलते ही नहीं हैं तो कुछ करने की बात कहाँ आती है। बोलो शांति जी, अपना वो जो आकर्ता वाला सिद्धांत समझा रहे हैं। अब इसने एक दो रूक्ष में इनसे कम से कम चलो दो तो पक्के रखे, नहीं दो भी पक्के कहाँ हैं, उनमें फिर अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, समझ आता है। मैंने एक एक गुण में अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद क्या बला है कि अलग अलग जाने तो जाते हैं लेकिन भी अलग कभी होते नहीं, उनका विभाग संभव नहीं है। अविभागी समझे ना, तो वो घटते बढ़ते हैं। तो एक में दो अंश कम हो और दूसरे में दो अंश ज़्यादा हो, दो पुद्गल के परमाणु है ना, तो उसमें स्निग्ध गुण रूक्ष गुण है, इसमें स्निग्ध गुण रूक्ष गुण है। अब उसमें जो स्निग्ध गुण है उसके दो अंश ज़्यादा हैं और इसमें स्निग्ध गुण के दो अंश कम हैं, रूक्ष गुण हैं, तो वे बन जाएंगे, समझे ना। माने दो दो होंगे तो बन जाएंगे, दो कम होंगे मतलब दो दो चार होंगे तो वे बन जाएंगे आपस में, लेकिन एक और तीन होंगे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि जघन्य नहीं बनते हैं, एक जघन्य है। फिर एक शर्त लग गई, फिर कहते हैं दो दुधिकादि गुणाधि, ऐसा दो गुणाधिक होना चाहिए, और ज़्यादा होंगे तो भी नहीं होंगे, फिर उसमें सम विषम का चक्कर है। माने उसमें इतनी शर्तें लगी हैं कि बंधने के चांस तो बहुत कम दिखते हैं कि नहीं बने, ऐसी परिस्थिति बने। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप तक बात पहुँच रही ना। माने इतने इतने उनमें जो क्वालिटीज हैं उसमें बंधने की सिर्फ कितना सा प्रसंग है, ना जगन्य गुणा नाम दुध स्वामी गुण स्वामी सदृशा नाम, वो सारे सूत्र हैं ना, वो सब इसमें लिखे हैं, इन गाथाओं में अभी अपन ने पढ़े थे, उनमें आए थे कि उनमें ऐसे बंधते हैं। तो कहते हैं कि जो अपने ये कहते हम उससे उसमें मिलते नहीं, तो क्योंकि उसमें स्निग्ध रूक्ष गुण ही नहीं है। स्पर्श गुण हो तो मिले ना, आत्मा किसी से नहीं बनता है अपने ऐसे कहते, क्योंकि उसमें स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, वो तो स्पर्श तो पुद्गल का गुण है ना, इसलिए आत्मा की बंधी की बात समझ में नहीं आती। आकाश क्यों नहीं बनता है, उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है और उसमें वो स्निग्ध रूक्ष नाम का गुण नहीं है, रूखे चिकने हों तो बने। तो कहते हैं जीव में जो ये राग देश हैं, तो हमने राग को स्निग्ध का और रूक्ष को देश ऐसा मान लिया, वो बहुत रूखा आदमी है वो देश वाला हो गया और बहुत रागी है वो स्निग्ध हो गया, ये उसका चिकना रूखापन है। अब इसमें भी सारे नियम लागू करो, दूध का गुणा नाम तू और जो भी समझ लो बंध की प्रक्रिया के हैं, तो जीव का और पुद्गल का बंध हो जाता है। अब ये कहते हैं एक गाथा में एक बात आई है, पढ़ो अपने अभी ये पहली गाथा तो होगी ना, ये अप्रदेशी अणु एक प्रदेशमय और अशब्द है, यही था ना, ये अप्रदेशी है और एक प्रदेश वाला भी है, ये तो समझ में आ गया, और ये अशब्द है, ये अशब्द है का क्या मतलब है, अब शब्द रूप नहीं है, जो जीव बनता है ना पुद्गल से शब्द, तो शब्द क्यों नहीं बनता है, ये तो बंधता परमाणु द्रव्य तो परमाणु है और बंधता है जब दो परमाणु तब भी स्कंद बनते हैं, तो जो शब्द हैं वे परमाणु नहीं है, वो स्कंद है, ये भाषा बगड़ा है ना, तो परमाणु में क्या स्कंद है। अभी मैं ज़्यादा जानता नहीं, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो, वो होता है वर्ग वर्गणा ऐसे बहुत भेद होते हैं ना, एक अणु से मिलकर के फिर वर्ग बनते वर्गणा बनती फिर स्पर्धक बनते क्या क्या बनते हैं, ऐसे इनके अलग अलग वे सब बहुत अवस्थाएँ हैं ना। तो वो जो भाषा वर्गणा है, तो भाषा वर्गणा तो वो स्कंद है,
वो तो अनेक पुद्गल परमाणुओं की बनी हुई है मिलकर, हैं? तो वो परमाणु अशब्द है, परमाणु में शब्द नहीं है। शब्द के लिए उसको भाषा वगैरह रूप प्रणमत होना चाहिए पहले। अब जब एक ही परमाणु है तो जैसे ऐसे टकराते हैं तो शब्द निकलता है, निकला ना, तो इस टकराने के लिए दूसरी चीज चाहिए। अब एक ही परमाणु है तो उसमें शब्द कैसे होगा, समझे ना? तो वो अशब्द है कहाँ, और रूक्षता इस नग्नता से बहुप्रदेशी रूप है। अरे रूखा और चिकनापन जो स्पर्श गुण में है उससे वो बहुप्रदेशी बन जाता है, माने स्कंद बन जाता है। तो पुद्गल का बहुप्रदेशीपन वो वास्तव में नकली है, माने व्यवहार से है, एक्चुअल तो वो एक ही प्रदेशी है ना। अब देखो फिर भी हमारे आचार्यों ने उसे पंचास्ती काल में शामिल कर लिया, काल को नहीं किया है? उस क्योंकि वो इसकी स्कंद रूप अवस्था नहीं होती है, इसकी स्कंद रूप अवस्था होती है तो इसको उन अस्थिकायों में शामिल कर लिया। परमाणु के परनमन से एक एक कर बढ़ते हुए अनंत अविभागी न हो इस निग्ध अनुरूप छत्र से। अब ये कह रहे कि एक एक परमाणु में अनंत अविभागी अंश हैं और उनमें रूक्षत्व स्निग्धत्व का भेद है, तो वे घटते बढ़ते रहते हैं, वो उसके स्वभाव में ही पड़ा हुआ है कि वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो वो घटते बढ़ते रहते हैं, वो स्वभाव है कि कर्म के वजह से नहीं घटते बढ़ते हैं वो। तो उनमें जब वो जघन्य परिणाम वाले नहीं होते हैं, सम विषम परिणाम वाले होते हैं, दो गुण अधिक होते हैं, अंश वाले दो गुण, मूल वाले दो गुण नहीं, तब ऐसी परिस्थिति बनती है तो वे बनते हैं। जैसे कि अभी अपन लोग है ना कि अपना ये शरीर है रूखा है, फिर अपन तेल लगा लेते हैं तो स्निग्ध हो गया। अब धूल जो है ना वो रूक्ष है और अपना शरीर हो गया स्निग्ध, अपना शरीर भी रूखा है और धूल भी रूखी है, तो अपन धूल में कितना ही हाथ डाल दो ऐसा करो तो बस सामने पड़ जाते, चीनी में हाथ डाल दो, गेहूं में हाथ डाल दो तो वैसे निकल आता, उसमें एक भी कोई चिंता नहीं है, है ना, क्योंकि दोनों रूक्ष हैं। अब इसमें अपन अभी तेल लगा लो और फिर रेत में हाथ डालो तो वो जाकर चिंट जाएगी, तो उन दोनों को परस्पर विरुद्ध होना चाहिए ना। अब वो ज़्यादा चिकनाई है तो अभी नहीं बंधेगी, उसे कम चिकनाई है तो एक मात्रा की विशिष्ट वो होनी चाहिए। ये सब वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं ना कि इतनी हो तो ही उससे बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। ये जो लोहे को जोड़ देते हैं ना, ये उसमें क्या लगा के गरम गरम मशीन है? तो वो जो दोनों लोहे के टुकड़े हैं और उन्हें चार्जर से ऐसा लगा दो, नहीं जुड़ते हैं, फिर उसे गर्म करते हैं, रूक्ष का होता है तो वो जुड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो गर्मी में निकल जाती है तो वो रूक्षता समझ निकल गई, जो स्निग्धता निकल गई तो फिर वे जुड़े रह जाते हैं, रोजाना देखते हैं ना अपन। तो वो पर जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें जानना चाहिए और फिर हमें उसे जोड़ना चाहिए, तब जुड़ते हैं ना। तो वो उसमें स्निग्ध रूक्षता का जो स्वरूप है जिससे वो बंध की प्रक्रिया का निर्णय है, जो केवल ज्ञानी ने बताया है और अपने शास्त्रों में लिखी है, अपन ने वो प्रयोग करके कहीं नहीं देख पाए हमारे, और जब वैज्ञानिकों ने खोज खोज के निकाल लिए और जहाँ बंद हो जाता है, छूट जाता है, टूट जाता है, ये सब बराबर अपन प्रक्रिया देखते रहते हैं ना, कितनी मजबूती से बंद हो जाता है, कितनी मजबूती वाले वही टूट जाते हैं। तो हमने क्यों नहीं कर पाया, हम कहे उनसे कम बुद्धिमान थे ना, बुद्धिमान तो हम उनसे भी ज़्यादा थे, लेकिन हमारे साथ जो एक बीमारी लगी ना अध्यात्म की, हमारे आचार्यों को रस ही नहीं है, हैं कभी दो में उनको रेत आके चेंट जाए तो उन्हें धोने तक कभी रस नहीं है,
ऐसा ऐसा करके उसे साफ कर दें, ऐसा भी रस नहीं है। बहुत पुरानी बात है और मुझे कभी कभी याद आ जाती है, लेकिन मैं वैसे बिना ही नाम की बताऊंगा आपको कि मैं जा रहा था कार से एक पंचकल्याणक में, तो रास्ते में उसी पंचकल्याणक में एक मुनिराज का संघ भी जा रहा था, तो दोनों रास्ते में ही मिले तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी, उतर के और एक आध किलोमीटर उनके साथ चले और फिर पीछे रह गए और अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए। तो उस वक्त हमने देखे, सर्दियों के दिन थे, तो उनके शरीर पर ऐसी मोटी धूल की मोटी चादर भरा, क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत चिकनाई से जब धूल जम जाती है ना, तो ऐसी मोटी मोटी परत जम जाती है, मुझे उसका नाम है कोई, अच्छा भूल रहा हूँ, माद, माद बोलते ना, माद जम गई, मैंने तेल का खूब मालिश किया, फिर वो धूल यहाँ आती उड़ती उड़ती वो चढ़ जाती है, वो स्निग्ध रूप छत्ववाद के हिसाब से, अब फिर नहाते तो है नहीं, और फिर वो ऐसे ऐसा करके उसे छुटाएं भी तो कोई छुटा दे तो छुटा दे, नहीं 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 छूटती है खुद अपने हाथ से, क्योंकि कहीं हाथ नहीं पहुंचता है, कहीं कुछ कई बात होती है ना। तो मैंने देखा तो मेरे बहुत अंदर से भक्ति बढ़ी, श्रद्धा बढ़ी कि देखो ऐसा हो जाता है, तो मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि मतलब नहीं नहाने से ऐसी ऐसी धूल भी किसी के शरीर पर जम सकती है। मैं तो ना आई धूल उड़ी लगी उड़ जाती है, जैसे अपन देखते हैं ना सभी पे जनरल मजदूरों पर हर दिन को देखते हैं, और उड़ जाती है, उड़ती सूखी और उड़ जाएगी, पसीना आ गई तो चिमट गई धूल, और फिर पसीना सूख गया तो धूल भी उतर जाती है। तो मैं अंदर से बहुत ही गदगद हो रहा था, और मैंने अपने किसी साथी से कहा कि देखो ऐसा हो जाता है, मैं तो पहली दफ़े देखा है। बोले आप समझते नहीं हो, मैं कभी हम एक घंटा समझाते हैं और बाकी 23 घंटा तो हमें आप लोगों से समझ नहीं पड़ता है ना, तुम समझा दो हमें क्या है। बोले ये मालिश होता है ना बहुत बहुत, चंदन के तेल का, बादाम के तेल का, काय काय के तेल का होता है, तो उसकी वजह से ये ऐसी जम जाती है, वजह से फिर ये पपटी पपटी निकलेगी और ऐसी निकल जाएगी। तो अपन तो सचमुच ऐसा थोड़ा बहुत समझ जाना होगा, लेकिन ऐसा उपयोग में नहीं था कि ऐसा होता है रोजाना, ऐसा इस वजह से हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्निग्ध रुक्षत्व का जो सिद्धांत है वो ये बताना चाहते हैं कि वो उसमें अब ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जो द्रव्य बंध रहे हैं उनमें वो स्निग्ध रुक्षत्व का गुण है, और उनकी जो शर्तें हैं कि वो दो गुण अधिक होना, जघन्य गुण नहीं होना, आप समझिए ना, वो वे गुण भी नियम से अंदर में ऑटोमेटिक बदलते रहते हैं, मतलब वो क्या क्या बोला अविभागी प्रतिच्छेद निरंतर घटते बढ़ते रहते हैं, उनसे बंद होता है। देखो अपन पढ़ते हैं ऐसे है, अप्रदेशी और प्रदेश मात्र अशब्द परमाणु स्निग्ध तथा रूक्ष होता हुआ द्वि प्रदेश आदि पने को अनुभव करता है, अनुभव करता है माने द्वि प्रदेश आदि पने को प्राप्त होता है, ये अनुभव करता है वो, तुम इसमें अपने आत्मा का अनुभव मत लगाना हर जगह, क्योंकि ये तो पुद्गल के परमाणु हैं, ये क्या अनुभव करेंगे, समझे ना। परमाणु के परिणमन के कारण एक अविभागी प्रतिच्छेद से लेकर एक एक बढ़ते हुए जब तक अनंत पने को प्राप्त ना हो, अनंत अविभागी प्रतिच्छेद, देखो अब क्या कह रहे, एक 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 को तीन तो मिलते ही नहीं ना, दो दो चार मिले, फिर उसमें और मिलते गए और मिलते गए मिलते गए, ऐसे वो अनंत परमाणुओं का स्कंद हो गया, तो हमें बड़ा अटपटा लगता है अनंत, तो ये क्या ये रूमाल है, ये अनंत परमाणुओं का स्कंद है, ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये रूमाल ऐसा बन गया तो अपन को कुछ आश्चर्य होता है ना, जब वहाँ कहते इसमें अनंत, अरे अनंत माने अनंत जोड़ लगे हैं इसमें, टांके लगे हैं अनंत, और वे कैसे लगे हैं कैलाश जी,
स्निग्ध रूक्षत्व गुण इन्हीं में है, इसलिए जो इनके साथ में वो लगे हैं। देखो परमाणु के प्रणमन के कारण एक से लेकर एक एक बढ़ते हुए जब तक अनंतपने को प्राप्त हो तब तक स्निग्ध रूक्षत्व ऐसा जनंद देव भगवान ने कहा है कि ये प्रक्रिया से इनका स्कंद बनता है। परमाणु परिणाम स्निग्ध हों या रूक्ष हों, परमाणु के परिणाम स्निग्ध हों चाहे रूक्ष हों, सम अंश वाले होना मत ये शर्त है, समझे ना, स्निग्ध हों चाहे रूक्ष हों लेकिन सम अंश वाले हों या विषम अंश वाले हों, यदि समान से दो अधिक अंश वाले हों तो बनते हैं, यानी मत दो दो चार भी बनते हैं, एक और तीन पाँच, तीन और पाँच सात भी बनते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, समान अंश अंश अधिक वाले होना चाहिए, अभिभाग जघन्य अंश वाले नहीं बनते है ना। इन गाथाओं में भावार्थ अमृतचंद ने आत्मतत्वदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वैसे ये तो गाथाओं का अर्थ था जो अपन ने पढ़ा, और टीका में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया होगा, बहुत ज़्यादा देखना है तो करणानी योग के शास्त्रों में मिलेगा। परमाणु दो आदि प्रदेशों के अभाव के कारण अप्रदेशी और एक प्रदेश के सद्भाव के कारण प्रदेश मात्र हैं, ये तो आ गया ना समझ में, अभी अपन ने समझा था ना गाथा में कि वे परमाणु एक प्रदेश ही है इसलिए तो प्रदेशवान हैं, और वो दो प्रदेश नहीं हैं इसलिए अप्रदेशी कहते हैं। स्वयं अनेक परमाणु दिव्यात्मक शब्द पर्याय की प्रगटता असंभव होने से अशब्द हैं, क्योंकि अकेला एक परमाणु द्रव्य है ना, और वो दूसरे से नहीं मिले तो वो स्कंद नहीं बन सकता, तो शब्द बन ही नहीं सकते, शब्द तो स्कंद हैं इसलिए वो अशब्द है। चार स्पर्श पांच रस दो गंध और पांच वर्णों से अवरोध पूर्वक सद्भाव के कारण, अब ये स्पर्श तो आठ हैं और इसमें चार लिखे, चार बंध के कारण तो दो ही हैं, इसने एक दो रूक्ष है आप ना, तो चार कैसे लिखे, उसने जब है ना हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा और नरम, तो इनमें चार पकड़े हैं चार दो और मतलब इसने एक दो रूक्ष के अलावा दो और पकड़े हैं, वर्णों के अविरोध पूर्वक सद्भाव के कारण वह परमाणु स्कंद अथवा रूक्ष होता है, माने उस पे परमाणु स्निग्ध के रूक्ष है, तो ऐसा नहीं होता कि वो रूक्ष भी होता है स्निग्ध भी होता है, पर दो अंश जिसमें ज़्यादा हैं रूक्षता के उसे हम रूक्ष कह देते हैं, और दो अंश जिसमें कम है रूक्षता के उसे हम स्निग्ध कह देते हैं, मतलब स्निग्धता रूक्षता उन दोनों में होती है बराबर, लेकिन वो बैलेंस नहीं होता ना। अब कैसे, जैसे अभी बताया था क्या धनवान और निर्धन, तो हमने एक सीमा रेखा बना दी ना, इसके पहले हम उसे निर्धन कह देते हैं उसके बाद धनवान कह देते हैं, ऐसे ही उन परमाणुओं में स्निग्धता और रूक्षता के जो अंश हैं वह दो ज़्यादा हों तो उतने को ही वो हो जाता है। कभी कभी इसमें ऐसा विचित्र होता है कि वो कहते हैं कि 10,000 तक किसी को एक रुपया टैक्स नहीं लगेगा, और फिर 10,000 से एक रुपया बढ़ेगा तो टैक्स लगेगा, तो कभी कभी वो 10,000 वो इंसान एक वाले को कुछ नहीं लगता और एक वाले को ज़्यादा लग जाता है। आपने ये देखा होगा कि विदेशों में जो चीज़ें लिखी रहती हैं उस पर जो कीमतें लिखी रहती हैं तो उसमें 9 रुपया और 99 पैसे ऐसी कीमत डलती है, 10 रुपया नहीं लगते हैं, 9 रुपया और 99 पैसे 99 रुपये ऐसी कीमत डालते हैं, तो ये क्यों डालते हैं, अपन कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं क्योंकि आपको लगता है कि 100 रुपया लिखते ही तो 3 अंक पर पहुंच गए और 99 में हम 2 ही अंक में रहे, ऐसा कहते हैं ना, बस वो तो 3 अंक नहीं नहीं हमें 3 अंक में रहा नहीं, हमें तो 2 ही अंक वाला चाहिए, तो वो हालांकि फिर तुम 100 ही रुपया देते हो, 1 पैसा तुम्हारे पास 99 पैसे हैं कहाँ, और 1 पैसा उसके पास भी नहीं होता,
तो वो भी वापस नहीं देता। देना हमको पड़ते हैं 100 ही रुपया और कीमत लगी रहती है उस पर 99 पैसे, 99 रुपये जो भी लगी रहती है, 99 रुपये 99 पैसे ऐसी चली रहती। तो उसका कारण ये है कि वहाँ जो टैक्स लगाते हैं ना, वो जो बढ़ाते हैं जो केडर, तो वो ऐसा बढ़ाते हैं 100 रुपये से 200 तक इतना, 200 से 300 तक इतना, आप समझ गए ना। तो 100 रुपये से 199 रुपये 99 पैसे तक इतना, फिर 200 से इतना। यदि वो ऐसा लगा दें कि 201 के बाद तो हमें नहीं करना पड़े उनको ऐसा, लेकिन वो उनका वो लगाने का है टैक्स वगैरह है, तो वो कहते हैं हम एक नया पैसा कीमत कम रखेंगे तो हमको 2 रुपया कम टैक्स देना पड़ेगा। कीमत तो एक नया पैसा कम रखी और टैक्स 2 रुपया का बचत हो जाती है, इसलिए वो ऐसी कीमत सब रखते हैं। वो भी सब बिल भी उतना ही का बनाएंगे और लेना देना नहीं होता उसका, ऐसे चेक भी नहीं काटते हैं कभी, 99 रुपया 99 पैसे का चेक काटें, सीधे 100 डॉलर का काट देते हैं, हैं कि वो जानते हैं वो कानून की दृष्टि से। अब ऐसे ही इसमें क्या अपन पढ़ रहे हैं ना, कहाँ अवरोध पूर्वक सद्भाव के कारण परमाणु स्निग्ध रूप छोता है, इसलिए उसे पिंड पर्याय परिणति रूप द्वि प्रदेशाधिक पने की अनुभूति होती है। वो एक प्रदेश ही है लेकिन वो जो इस तरह वो स्कंद बन जाते हैं वो द्वि प्रदेश ही कब कहलाता है, स्कंद ही कहलाता है ना। तो इस प्रक्रिया से जब वो स्कंद बनता है तो उस पुद्गल को द्वि प्रदेश ही कहते हैं। तो परमाणु तो द्वि प्रदेश ही नहीं होगा, जब तक परमाणु तो एक ही होगा, द्रव्य तो वो तब ही कहलाएगा ना, वो तो द्रव्य नहीं है, वो तो पर्याय है। अब वो जो अपने बताते हैं ना कि पर्याय हैं, तो जब एक एक होती हैं तो वो पर्याय कहलाती है, और जब उन अनुस्यूति से रचित अनादि अनंत प्रवाह जोड़ते हैं तो वो द्रव्य कहलाता है ना, क्योंकि वो द्रव्यार्थिक मय का विषय है। ये तो समझाया है ना तुमको बहुत, है ना, तो वो द्रव्य कहलाता है। तो वो तो फिर तो वो स्कंद आ गई तो पर्याय संज्ञा हो गई, तो परमाणु द्रव्य तो अप्रदेशी ही रह गया ना, समझ में। ये एक प्रदेशी रहा, एक प्रदेशी हुआ, प्रदेशी दूसरे स्कंद की अपेक्षा उसे बहुप्रदेशी कहते हैं, तो स्कंद तो पर्याय है, तो पुद्गल की पर्याय बहुप्रदेशी हुई, पुद्गल बहुप्रदेशी नहीं हुआ। अगर पुद्गल की पर्याय भी पुद्गल ही है तो उसको भी बहुप्रदेशी कह दिया, इसलिए कहते हैं वो व्यवहार है। एक परमाणु की दूसरे एक परमाणु के साथ पिंड रूप परिणति द्विप्रदेशी पने की अनुभूति है, बस लेकिन अनुभूति है माने मालूम पड़ता है। वो एक परमाणु की अन्य दो परमाणुओं के साथ पिंड रूप परिणति त्रिप्रदेशी है, वो द्विप्रदेशी थी ये 3 प्रदेश की हो गई का अनुभव है। इस प्रकार परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ पिंड रूप परिणमित होने पर अनेक प्रदेशी पने का अनुभव करता है, इस प्रकार स्निग्ध रूक्षत्व पिंड पने का कारण है। समान से 2 गुण अधिक स्निग्ध या रूक्षत्व हो तो बंद होता है, यह उत्सर्ग नियम है। उत्सर्ग है माने सामान्य नियम है। और एक पैराग्राफ रह गया। परमाणु के परिणाम होता है, मैं तो इसे आज खत्म करना चाहता था, ठीक है कल होगा। परमाणु के परिणाम होता है, परिणाम माने परिणमन होता है, परमाणु द्रव्य और परिणाम माने परिणमन पर्याय, क्योंकि परिणाम वस्तु का स्वभाव होने से उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। माने परमाणु द्रव्य का पलटना ये स्वभाव है, इसलिए उसको वो उसके बिना नहीं हो सकता, माने उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता कि परमाणु का परिणमन हो ही नहीं। अरे वो तो स्वभाव है, प्रति समय होगा, ख्याल में है ना। उस परिणाम के कारण कादाचित कभी कभी होने वाली विचित्रता अनेक रूपता धारण करता हुआ एक से लेकर एक एक बढ़ते हुए
अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का तक व्याप्त होने वाला स्निग्धत्व अथवा रूक्षत्व परमाणु के होता है, क्योंकि परमाणु अनेक प्रकार के गुणों वाला है। अब वो कहते हैं कि उसमें अनंत भेद पड़ जाते हैं, जैसे हर बहेला आंवला, ये तीन चीज़ें हैं। अब इनके हम चूर्ण बनाएं तो कितने बना सकते हैं? तो इसे बोलते हैं अपन ऐसा कि एक तो तीनों का अलग अलग वो पीस दिया तो तीन वर्ग है, इनको बोलते असंयोगी चूर्ण, मैंने दूसरे का संयोग नहीं मिलाया। फिर हमने दो हर बहेरा को मिलाया और पीस दिया, बहेरा आंवला को मिलाया और पीस दिया, और आंवला और वो हर को मिलाया, तो ये तीन भंग द्विप्रदेशी हो गए। फिर तीनों को मिला दिया तो ये त्रिप्रदेशी भंग हो गया, तो ऐसे सात बन गए, एक एक के तीन, दो दो के तीन और एक तीनों का, तो सात भंग हो गए, सप्तभंगी बनती है। तो ये कहते सात ही भंग बन सकते, ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, कि मात्रा घटाओ बढ़ाओ तो अनंत बन जाएंगे, इसलिए सप्तभंगी भी होती है और अनंत भंगी भी होती है, समझ गए ना? चल बताते हैं वैद्य लोग कि एक तोला आंवला, दो एक तोला हल, दो तोला बहेरा, तीन तोला, चार तोला आंवला, मैंने डबल डबल करते जाओ और इसका चूर्ण बनाओ तो वो अलग होगा, फिर अनुपात बढ़ाते घटाते जाओ तो अनंत बन सकते हैं। अब वो त्रिफला चूर्ण सब हैं, तीनों फल मिलाए गए हैं ना उसमें, और सबका स्वाद अलग होगा, क्योंकि सब में मात्रा का फर्क है ना, कि त्रिफला एक है तो सबका स्वाद एक सा ही होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो तो मात्रा घटती बढ़ती गई ना। तो ऐसे ये कह रहे हैं वो परमाणु के स्कंद बनेंगे तो स्कंद तो अनंत प्रकार के बन जाएंगे, एक प्रदेश, दो दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी, चार प्रदेशी, फिर असंख्य प्रदेशी, असंख्य प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ऐसे मतलब। और ऐसा नहीं कि अनंत प्रदेशी तो सुमेर पर्वत को पकड़ना पड़ेगा, ये रूमाल भी अनंत प्रदेशी है, असंख्य प्रदेशी मतलब इतने छोटे छोटे बारीक हैं कि एक एक प्रदेशी और दो प्रदेशी तो हमें दिखते ही नहीं हैं, चार प्रदेशी, दस प्रदेशी तो हमारे दृष्टि में ही नहीं आएंगे, वे तो इतने सूक्ष्म होते हैं, हमें तो असंख्य प्रदेशी, संख्य प्रदेशी ही हमारी पकड़ में आते हैं। तो उसकी प्रक्रिया सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी आई वो बता रहे हैं, बाकी अपना कल पढ़ेंगे, हो गया।